के तौर पर खड़े हैं। जो आ गया ना वो उसको दबा दिया। नरेंद्र सिंह जी खालसा हर मुद्दे पर ये भाई इधर सर क्या कहना चाहेंगे जिस चीज़ पर प्रोटेस्ट रखा सर? एक किसान मोर्चे तो भारत की सरकार जी है वो खिला गई है और गलत हथकंडे अपना रही है। जेड़ा कि 1975 की एमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी ने असी गिरफ्तारियां दीतियां सन और असी उलंघना की सी। और मैं आज कहना चाहगा कि अनटिकले भारतवासियों ये मोदी की सरकार ये भारत में अनटिकले जी एमरजेंसी लगा चुकी है और लोगों की दर पकड़ जी करके अपने कफन साबित करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरफ्तारियां यह आखिरी किर साबित हो भारत की सरकार तो भाजपा की सरकार का लोगों का विश्वास जरा खत्म हो चुका है। और मैं फौरी तौर कहगा कि भारत की सरकार एक जथे अमरिंदर सिंह फौरी तौर पर रिहा करे नहीं तो ये किसान मोर्चा अंदोलन जड़ा गलिया गलिया के सोशल मीडिया पर जिस तरह से आ रहा है कि वो जो रेड फोर्ट पर वायलेंस हुआ उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो खाली किसान मोर्चे के हक में किसानों की मांगों के लिए वो सड़कों पे आए थे। उनकी उनके में कोई वो नहीं है वो जो झंडा चाहने वाली जो आप बात कर रहे हैं जिस तरफ रास्ता गया वो भी चलेंगे। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय इधर ठीक हो रही हार करो सर क्या कहना चाहेंगे जिसके इधर प्रोटेस्ट रखा है सर? आज जो प्रोटेस्ट रखा है कौन बोल बैठ देगा बोलो दे लाओ लाओ ना रे बीजेपी सरकार हाय हाय 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 इंदर सिंह मनदीप सिंह को इंदर सिंह मनदीप सिंह को इंदर सिंह मनदीप सिंह को बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार मोदी सरकार दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी नहीं चलेगी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मोदी सरकार मोदी सरकार कल रात को भी प्रदर्शन हुआ था सतवारी में और जिस तरह से महेंद्र सिंह खालसा जी के लिए आप कह रहे हैं पर सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हो रही है कि उनका जो रेड फोर्ट पे वायलेंस था उनमें कोई ना कोई साझेदारी थी। देखो रेड फोर्ट में जाना कोई गुनाह नहीं है। वो दिल्ली में गए थे पाकिस्तान में नहीं गए थे। दिल्ली भारत की राजधानी है वहाँ पे कोई भी जा सकता है।
वहाँ पे लाखों लोग गए, और जम्मू कश्मीर में सिर्फ महिंदर सिंह और मनदीप सिंह को क्यों उठाया गया? रीजन ये है कि वो जम्मू कश्मीर में किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे, रीजन ये है। और ये मोदी सरकार पावर का मिसयूज कर रही है, सरेआम देखा जा रहा है। मोदी सरकार क्या कर रही है? जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये क्या कर रही है? इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दिल्ली पुलिस में झूठी एफआईआर दर्जे करवा के, देखो वहां पे जम्मू में आज मोदी सरकार ने माहौल को जानबूझ के खराब किया है। ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा करवाना चाहती है मोदी सरकार। महंगाई कितनी हो गई है? 100 रुपए लीटर तेल हो गया है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जो बंदे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, जो डेमोक्रेटिक राइट से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए डराया जा रहा है, पीछे लोग। क्या कारण था दिल्ली पुलिस आई और खालसा जी को यहाँ से लेकर? देखो कारण हमें नहीं बताया, आज हम कारण आपसे सुन रहे हैं। आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया में ये हो रहा है, नेशनल मीडिया ये आ रहा है, उन पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो दिल्ली में लाल किले में गए थे। ये हमें नेशनल मीडिया से पता लग रहा है। अगर वहाँ गए भी थे तो पाकिस्तान थोड़ा गए थे, दिल्ली में गए थे, वहाँ पे तिरंगे का कोई अपमान किसी ने नहीं किया। सर पुलिस बिल्कुल सर, जब उनको अरेस्ट किया गया, ये उनके ब्रदर है हमारे साथ, इनको भी नहीं बताया गया कि हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट रीजन। उनको उठाया गया, हमें ये नहीं पता वहाँ जाके टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल स्विच ऑफ है पूरी तरह से उनका। सर पुलिस ने कोई आश्वासन दिया अभी आपको सुबह? सर पुलिस ने हमें सर अभी एफआईआर की कॉपी दी है, अभी हमें व्हाट्सएप एसडीपीओ साहब ने किया कि उनके खिलाफ ये धाराएं लगी हुई हैं, अभी धाराएं हमने पढ़ी नहीं है। दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पे किसी भी बंदे पे कोई भी धारा लगा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर काम कर रही है। सर जम्मू पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हमसे ये धोखा किया है कि जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई है, जम्मू कश्मीर ने ये धोखा किया हमसे कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आपको दिल्ली पुलिस उठाने आई है। इन्होंने महिंदर सिंह खालसा को फोन करके बुलाया कि आपके साथ काम है। इन्होंने सोचा ये अकेले गए, अगर कोई गुंडा बदमाश होता पुलिस के कहने पर थाने जाता कभी? ये रागी हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं गुरुद्वारों में, इनको फोन किया गया जम्मू पुलिस की तरफ से कि आप आइए, ये कोई गुंडे नहीं है, बदमाश नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, इनको बुलाया गया। ये अपने साथ 100 बंदे लेके जा सकते थे पर ये अकेले गए। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने धोखा ये किया, वहाँ पे दिल्ली पुलिस को बिठा के रखा था, जब ये वहाँ पे गए इनको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया, इन्फॉर्म भी नहीं किया, फैमिली को इंटीमेट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी धोखा किया यहाँ पे यहाँ के लोगों के साथ। इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की उससे भी गलती हुई है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। और रोज सड़कें जाम होगी, ये नहीं एक दिन जाम होगी, अब रोज सड़कें जाम होगी, रोज महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, रोज प्रोटेस्ट करेंगे महिंदर सिंह खालसा जो, जब तक रिहा नहीं किया जाएगा मनदीप सिंह को भी, तब तक रोज सड़कें जाम होगी। ये रोज होगी कंटिन्यू। हम लोगों को तंग भी नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि जिन लोगों ने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने को पहुंचे, पर हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ को दबाए बजाए, हम नहीं चाहते लोग तंग आए। जब पानी नाक से ऊपर होता है ना, फिर लोगों को सड़कों पे आना ही पड़ता है। और महंगाई इतनी हो गई है, देखिए महंगाई से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी प्लानिंग है। बीजेपी सरकार बंगाल में इलेक्शन हार रही है, ये सारी प्लानिंग है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वाओ और राज करो, ये प्लानिंग है सरकार की। सरकार आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रही है, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर देखो क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों का ध्यान महंगा, 100 रुपए लीटर तेल हो गया है। जो बंदा 7-8 हजार महीने का कमा रहा है वो 200 रुपए का तेल डालेगा स्कूटर में, वो क्या करेगा? लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है कि दोबारा हमारी सरकार बने, पर इस बार देश की जनता जाग चुकी है। मोदी सरकार के झांसे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इतनी महंगाई हो गई है, जिस बंदे की तनख्वाह 7-8 हजार रुपये वो स्कूटर नहीं चला सकता, वो साइकिल पे आ गया। अच्छे दिन कहाँ गए, ये तो बुरे दिन आ गए हैं। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कहना चाहता हूँ, आप यूनिटी बना के रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, वाहेगुरु जी का खालसा।